अभी शुरू भी नहीं हुआ योगी का दूसरा कार्यकाल, लेकिन बड़े बड़े बदमाशों का हो रहा हाल बेहाल। एक से बढ़कर एक हिस्ट्री शीटरों का शुरू हुआ सरेंडर। यूपी में फिर से काम पर लौटा बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जी, एक था फिल्मों वाला राउडी राठौर, जो कहता था कि मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, लेकिन वो तो फिल्मी वाला राउडी था। हम आपको असली राउडी से मिलवाते हैं, नाम है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो जो कुछ भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाल ही में यूपी में दोबारा बहुमत हासिल करने वाले योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए थे कि बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है और 10 मार्च को एक बार फिर से इन्हें काम पर लगा दिया जाएगा। योगी ने जो वादा किया था उसे पूरा करना भी शुरू कर दिया है। उनका दूसरा कार्यकाल अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन अपराधियों में बाबा का वही खौफ जरूर शुरू हो गया है। तभी तो बड़े बड़े बदमाश हिस्ट्री शीटर थानों में जा जाकर सरेंडर कर रहे हैं, गले में तख्ती लगाकर गुहार लगा रहे हैं कि बस गोली मत मारना। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बाबा का बुलडोजर भी काम पर लौट आया है। गुंडे माफियाओं की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। वादे के मुताबिक यूपी में भाजपा की सरकार बनते ही अपराधियों और माफियाओं के अवैध कब्जों और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मेरठ के टीपी नगर के जगन्नाथपुरी में कुख्यात अपराधी और वांटेड बदन सिंह बद्दों के कब्जे वाली कुछ दुकानों पर प्रशासन और एमडीए ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान दुकानों का ध्वस्तीकरण किया गया। इस इलाके में बदन सिंह और उसके कुछ साथियों ने सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा किया था। पार्क पर कब्जा करके फैक्ट्री बनाई थी और कुछ दुकानों का निर्माण करवाया था। मंगलवार को इसी जमीन पर बनी दुकान और अस्थायी निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बदन सिंह बद्दो 2019 में मेरठ से ही फरार हो गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार बद्दों के साथियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। बदन सिंह बद्दो की तलाश भी की जा रही है, लेकिन 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो पुलिस के हाथ नहीं लग सका। अब दूसरी तस्वीर देखिए। गोंडा में अपहरण मामले में फरारी काट रहा यह आरोपी गले में बोर्ड टांगकर कुहार लगाता हुआ थाने पहुंचा। बोर्ड में लिखा है, मुझे गोली मत मारो। यानी इसको भी डर है कि योगी सरकार में अब सरेंडर करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। बाहर रहे और अपराध किया तो गोली मार दी जाएगी, चुपचाप सरेंडर ही कर दो। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें सहारनपुर के चिलकाना थाने की हैं। जिन हिस्ट्री शीटर्स की तलाश में चिलकाना थाना पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, वो फरार चल रहे थे। मंगलवार को ये सब खुद ही थाने पहुंच गए और उन्होंने अपराधों का कबूलनामा किया। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि चिलकाना क्षेत्र में रहने वाले करीब 8 हिस्ट्री शीटर के घर पर लगातार दबिश दी जा रही थी और उनके बारे में पता किया जा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल है या नहीं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिल रहे थे। ताबड़तोड़ दबिश देने के बाद मंगलवार को हिस्ट्री शीटर देर शाम चिलकाना थाने पर खुद पहुंच गए और सरेंडर कर दिया। ये सब योगी सरकार की बहुमत के बाद हुआ है। ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यूपी में योगी है तो यूपी सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।